लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए सेना के जाबाज जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की है, जहां पर हमारे देश के वीर जवानों को एयरफोर्स, नेवी और साथ ही आर्मी के उन जवानों को सम्मानित किया जाएगा, मेडल्स दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। कल हमने 2019 के जो तमाम वीर थे उनको सम्मानित हुए होते हुए देखा था। अब हम 2020 में जिनको सम्मानित किया गया है उनको देखेंगे। कोविड की वजह से 2020 में कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो आज गलवान के जो वीर हैं उन्हें भी मेडल से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें संतोष बाबू भी हैं, कर्नल संतोष बाबू जो शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। चार शहीद जवानों को आज उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो आज 2020 साल 2020 के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी समेत हमारे उन फोर्सेस के जवानों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने देश की सेवा की, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं गलवान के शूरवीर हैं, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल है, नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन है, नायक दीपक कुमार। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र, कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला।
शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। सूबेदार संजीव कुमार, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। अप्रैल 2020 को सूबेदार संजीव कुमार एक विशेष बल टुकड़ी के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी टुकड़ी को पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का खात्मा करने, घुसपैठ ट्रैक को बंद करने के लिए विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से कश्मीर की मुश्किल बर्फीली पहाड़ियों में उतारा गया। घुसपैठ कर चुके आतंकवादियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए 5 घंटे से भी अधिक समय तक कमर से गहरी बर्फ से जूझते हुए सूबेदार संजीव कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के संभावित स्थान के नजदीक पहुंचे। इसी बीच उनके 2 साथी बर्फ पर फिसलने के कारण एक नाले में जा गिरे एवं आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से घायल हो गए। सूबेदार संजीव कुमार अपने साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाले में कूद गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। जो ही दूसरे सैनिक को निकालने के लिए वो दोबारा मुड़े, एक छिपे हुए आतंकवादी ने उनके बाकी साथियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर आए खतरे को भांपते हुए सूबेदार संजीव कुमार उस छिपे हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराए। अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वह पुनः अन्य आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए एवं अंततः मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अतुलनीय नेतृत्व एवं पराक्रम की प्रेरणा से उनके दल ने 5 कट्टर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार संजीव कुमार ने विषम परिस्थितियों में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने, 2 आतंकवादियों को घायल करने एवं अपने घायल सैनिकों को बचाने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा भाव का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती सुजाता देवी। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, नायब सूबेदार नुधुराम सोरेन, 16 बटालियन बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायब सूबेदार नुधुराम सोरेन ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के दुर्गम क्षेत्र में तैनात थे। शत्रु सैनिक घातक हथियारों के साथ आक्रामक हमलों से उनके सैनिकों द्वारा की जा रही प्रेक्षण चौकी स्थापना में भीषण बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सूबेदार नुधुराम सोरेन ने अत्यंत मुश्किल हालात में अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया, शत्रु के उन सभी प्रयासों का मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे वह भारतीय सैनिक टुकड़ियों को वापस लौटाना चाहते थे। विषम परिस्थितियों में घायल होने के बावजूद जिस अद्वितीय पराक्रम एवं असीम निर्भीकता से उन्होंने दुश्मन का सामना किया, उसने शत्रु दल को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनके इस प्रेरणादायक शौर्य प्रदर्शन ने उनकी सैन्य टुकड़ी को मोर्चे पर डटे रहने के लिए एक नए जोश का सृजन किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ये शूरवीर सिपाही आखिरी सांस तक गलवान की दुर्गम पहाड़ियों में अपने मोर्चे पर डटा रहा और अंततः मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नायब सूबेदार नुधुराम ने शत्रु का सामना करते हुए
अदम्य साहस, अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा एवं असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मणि सोरेन। हवलदार के पलानी, 81st फील्ड रेजिमेंट मरणोपरांत। हवलदार के पलानी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अंतर्गत पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के मुश्किल इलाके में तैनात थे। 15 जून 2020 की रात हवलदार पलानी को 16 बिहार बटालियन के हिस्से के रूप में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अचानक दुश्मन ने इनका घेराव करते हुए इन पर आक्रमण कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में अद्वितीय साहस एवं संयम का परिचय देते हुए ये शूरवीर सैनिक आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन से जा भिड़ा। दुश्मनों की संख्या अचानक बढ़ने एवं हथियारों से उनके द्वारा किए गए हमले में घायल होने के बावजूद अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो मोर्चे पर डटे रहे। आखिरी दम तक उत्कृष्ट मानसिक संतुलन के साथ दुश्मन के आक्रमण का बहादुरी से जवाब दिया, अपने साथियों को बचाते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पराक्रम एवं प्रतिबद्धता ने उनके अन्य सैनिकों को और जमकर मुकाबला करने तथा दुश्मन का प्रबलता से प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। अद्वितीय साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं अतुलनीय सेवा भाव का परिचय देते हुए हवलदार के पलानी ने राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार पलानी की पत्नी श्री बांति देवी। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी, वो अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने लगे। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आई, लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। दुश्मनों की संख्या भारतीय सैन्य टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह।
सिपाही गुरतेज सिंह तीसरी बटालियन द पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। पंद्रह जून 2020 को गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान सिपाही गुरतेज सिंह को प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने भारतीय सैन्य टुकड़ियों के खिलाफ योजना बनाती दुश्मन सैन्य टुकड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक उग्र भिड़ंत में परिवर्तित हो गई, जिसमें दुश्मन सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। भिड़ंत में दुश्मन सैनिकों ने घातक हथियारों का प्रयोग किया और अपनी सैन्य टुकड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी। सिपाही गुरतेज सिंह ने आमने सामने की उग्र भिड़ंत में निडरता, अदम्य साहस और असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी चिंता किए बगैर वो बहादुरी से लड़ते रहे और सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने अपने पेट्रोल दल के कई साथी सदस्यों की जान भी बचाई। सिपाही गुरतेज सिंह ने विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही गुरतेज सिंह की माता श्रीमती प्रकाश कौर एवं पिता श्री बिरसा सिंह। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स 21वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को बत्सर जंगल में दो आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजी मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और तीन अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे तीन बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।